हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शालिनी रेस्टोरेंट किचन। और मैं शालिनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ गार्लिक मशरूम की रेसिपी, जो कि बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बना लिए हैं और कितने अच्छे हमने इसको फ्राई किए हैं। तो आइए फटाफट से इसको बनाना शुरू करते हैं। गार्लिक मशरूम बनाने के लिए हमें जिस सामान की पहले तैयारी करनी होगी, पहले हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करा है, 15 से 20 लहसुन की कलियों को ग्रेट कर लिया है इस तरीके से। थोड़ा सा हरी धनिया को चॉप कर लिया है, एक प्याज को बारीक कट कर लिया है, आधा इंच अदरक को ग्रेट कर लिया है, एक लिए हरी मिर्च और 300 ग्राम लिए हैं मशरूम। मशरूम आपके अगर ज़्यादा बड़े हों तो आप उसके 2 पीस कर लें, तो मेरे इतने बड़े नहीं हैं तो मैं इसको ऐसे ही रखूँगी। ड्राई मसाले मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। तो सबसे पहले गैस ऑन करके रखेंगे पैन, और उसमें डालेंगे हम 50 ग्राम मक्खन। मक्खन को मेल्ट कर लेंगे, मक्खन हमारा जले ना इसके लिए इसमें डाल देंगे 2 चम्मच रिफाइंड। अब इसमें हम डाल देंगे मशरूम और मक्खन के साथ इसको हम भूनेंगे। अभी फ्लेम को हम थोड़ा सा हाई कर लेते हैं, हाथ को हम लगातार चलाते रहेंगे और इसको उलट पलट कर हम फ्राई करेंगे मक्खन के साथ, क्योंकि हमें मशरूम को गलाना भी है और इसको हमें फ्राई भी करना है, जब तक कि इसके ऊपर हमें स्पॉट दिखाई नहीं देने लगते हैं। साथ ही इसमें डाल देंगे चॉप्ड अनियन यानी प्याज। अब प्याज के साथ इसको फ्राई करेंगे ताकि प्याज का फ्लेवर मशरूम के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। जब प्याज थोड़ी सॉफ्ट होने लगेगी तभी हम इसमें डाल देंगे ग्रेट की हुई जिंजर और हरी मिर्च। सारे फ्लेवर अच्छे से हमारे मशरूम में मिल जाने चाहिए, तभी मशरूम हमारे अच्छे बनेंगे। इसको अब लगातार हम चलाते रहेंगे। तो इसको भूनते भूनते मशरूम का जो पानी है उसको भी रिड्यूस करना है, तो इसको इस तरह से लगातार चलाते रहना है। और अब इसमें हम ऐड कर देंगे ग्रेट की हुई गार्लिक यानी लहसुन, मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसमें डाल देंगे टेस्ट के अनुसार नमक। नमक हमारे मक्खन में भी होता है तो थोड़ा ध्यान से डालें, अपने टेस्ट के अनुसार इसमें नमक डाल लें। थोड़ी सी डालेंगे लाल मिर्च, चला लेंगे। बहुत ही बढ़िया इसमें से खुशबू आने लगी है सारे मसालों की, लहसुन की और प्याज की। बस अब गैस को स्लो कर देंगे और स्लो फ्लेम पर इसको हम फ्राई कर। बहुत ही बढ़िया हमारे मशरूम फ्राई होने लगे हैं। आप देखोगे कि इसमें से जितना भी जूस निकला था वो पानी सारा रिड्यूस हो चुका है, सिर्फ मक्खन ही बचा है। अब इसमें ऐड करेंगे हम 2 चुटकी काली मिर्च, 1 चम्मच व्हाइट विनेगर, 1/2 टेबल स्पून सोया सॉस। सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। लास्ट में इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। बहुत ही बढ़िया हमारे गार्लिक मशरूम तैयार हो गए हैं। बस इसको खाइए और खिलाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।